और वहीं देखिए कर्नाटक में चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव से पहले बजरंग बली की एंट्री हो गई है। सोमवार को जबलपुर में प्रियंका गांधी की विशाल रैली है, जिसके पहले छोटी लाइन चौराहे पर विशाल गदा की स्थापना की गई है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दुर्गेश कुमार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली का नाम जमकर गूंजा और अब कुछ यही हालात मध्य प्रदेश में भी होते नजर आ रहे हैं। 12 जून को जबलपुर प्रियंका गांधी आएंगी, जिनके स्वागत के लिए पूरा शहर बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। लेकिन जबलपुर का जो छोटी लाइन चौराहा है, ये सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस चौराहे के ठीक बीचों बीच एक गदा को स्थापित किया गया है। आप जो देख सकते हैं, एक बड़ी गदा यहाँ पर तकरीबन 15 फीट ऊंची इस गदा को यहाँ पर स्थापित किया गया है। चूंकि प्रियंका गांधी का यही रूट है, और क्योंकि जब नर्मदा पूजन करेंगी प्रियंका गांधी, तो उस नर्मदा पूजन के बाद प्रियंका गांधी का जो काफिला है इसी रूट से होकर आगे गुजरेगा गोल बाजार शहीद स्मारक मैदान में। तो ये जो बड़ा चौराहा आप देख सकते हैं, इसी चौराहे के ठीक बीचों बीच गदा आपको नजर आ रही है। साफ तौर पर यह संदेश देता है कि कांग्रेस बजरंग बली को लेकर इस विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगी, और गदे के साथ साथ ये संदेश दिया जा रहा है कि हिंदुत्व और जो सॉफ्ट हिंदुत्व की चर्चा हमेशा कांग्रेस के बीच में होती है या कांग्रेस को लेकर होती है, इस विधानसभा चुनाव में भी वो साफ नजर आएगा। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ 8, जबलपुर। और वहीं देखिए कांग्रेस